सेवा स्कूल की मीता के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब दोस्तों? तो यहाँ पे आज बनाने वाले एक एकदम बढ़िया तरीके की कढ़ी, बथुआ सर्दियों में बहुत मिलता है, तो हम बनाने वाले बथुए की कढ़ी एकदम राजस्थानी तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है, ट्राई जरूर कीजिएगा। आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारे अपलोड्स के मिलते रहें। यहाँ पे मैं एक प्याज ले रही हूँ जिसको हम महीन चॉप कर देंगे। अदरक मिर्ची और लहसुन का हम एक राश बना देंगे। बथुआ एक बड़ा कप मैंने लिया, इसको अच्छे से वॉश कर दिया है और इसको भी हम फाइनली चॉप करके रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे तीनों इंग्रेडिएंट्स जो है रेडी हो गया। प्याज चॉप्ड है, अदरक मिर्ची लहसुन का क्रश है और यहाँ पे मेरा बथुआ चॉप करके रखा है। अदरक मिर्ची लहसुन क्रश कीजिएगा, उसको पेस्ट नहीं करिएगा। एक बोल में मैंने ले लिया है 3 बड़े चम्मच बेसन और 1 लीटर करीब मैंने बना दिया है छाछ। तो छाछ के लिए 1 कप मैंने ले लिया था दही, गाढ़ी दही, और 1 लीटर पानी में अच्छे से उसको फेंट दिया था। तो चलिए छाछ को हम बेसन में मिला के अच्छे से इसको एक स्मूथ टेक्सचर का मिक्सचर बना करके रेडी रख देंगे। गैस पे मैंने रख दिया है मिट्टी का बर्तन। 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लेंगे। जैसे ही सरसों का तेल एकदम गर्म हो जाए तो आधा चम्मच राई डालिए, आधा चम्मच जीरा डालिए और अच्छे से इसको स्प्लैटर होने दीजिए। उसके बाद में डालेंगे आधा चम्मच मेथी दाना और हींग थोड़ी सी। प्याज जो हमने चॉप करके रखा था वो भी हम इसके अंदर डाल करके मीडियम आँच पर भून लेंगे। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने का स्वाद ही कुछ अलग आता है, मुझे तो बहुत पसंद है। आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में हमको ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए प्याज को हमको ब्राउन करना है, हमको इसको ट्रांसपेरेंट नहीं रखना है। अदरक मिर्ची लहसुन का क्रश मैं अब डाल रही हूँ जिससे फ्लेवर इसका खूब बढ़िया बरकरार रहे। तो देखिए ये भी हमारा अच्छे से भून चुका है। अब जो हमने चॉप करके रखा था हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है बथुआ, वो भी डाल देंगे इसके अंदर और अच्छे से इसको 2 मिनट के लिए भून देंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि बथुए को बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं करिएगा, बहुत ढेर सारा बथुआ भी नहीं डालिएगा, बस उतना रहना चाहिए कि कढ़ी में आपके एकदम परफेक्ट रहे। तो देखिए ये भून चुका है हमारा। थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, लाल मिर्ची डाल दी है 1/2 चम्मच और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, इसको भी साथ में हम भून लेंगे। तो ये जो रोज के ही मसाले हैं, आपके पास सभी कुछ तो घर ही में रहता है, रेसिपी ज़रूर से देख करके इमिजिएटली बनाइए और हमको बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे हमने जो छाछ और बेसन का मिक्सचर रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे। कंटिन्यूसली इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक एक बॉईल नहीं आ जाता। अच्छा, हल्दी का कलर आपको अगर लगे कि ये थोड़ा सा कम है तो जब ये एक बॉईल आ जाए उसके बाद ही डालिएगा, क्योंकि कढ़ी में थोड़ा सा हल्दी का कलर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 1 कप मैंने इसके अंदर पानी और डाल दिया है और कंसिस्टेंसी अब आप देख लीजिए ये इस तरह की है। नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। यहाँ पे कंसिस्टेंसी आपको हल्की सी अभी पतली रखनी है क्योंकि ये करीब 1/2 घंटा खोलेगा। और देखिए कढ़ी बन रही है तो चावल भी मैंने चढ़ा दिया है साइड में, ताकि जैसे जैसे कढ़ी भी बनती जाए हमारे चावल भी रेडी हो जाएंगे। एक बॉईल लेकर के इसको धीमी आंच पे पकने दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद एक बार चेक कर लीजिएगा और 5 से 7 मिनट फिर और रखेंगे। देखिए ये एकदम गाढ़ी हो गई है, बहुत टेस्टी। घी के अंदर जो देगी मिर्ची है उसका इसके ऊपर फ्रेश वगार लगाएंगे जिससे फ्लेवर और बढ़िया आएगा। तो बताइए आपको कैसी लगी रेसिपी, है ना बहुत बढ़िया। ट्राई कीजिए, हमको बताइए कमेंट्स में आपको कैसा लगा। हम वादा करते हैं यूं ही बढ़िया रेसिपीज लेकर के आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विथ व्हाट्स कुकिंग मीता, स्टे हेल्दी स्टे सेफ। आते हैं ऐसी बढ़िया इजी क्विक रेसिपीज लेकर के आपके लिए। थैंक यू एंड टेक केयर। आपकी सर्दियों में बनाइए और इन्जॉय कीजिए।